जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होने वाली है वो भौतिक विज्ञान की क्लास होगी और भौतिक विज्ञान के अंदर हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी। और यांत्रिकी में मैंने चैप्टर जो शुरू किया उसका नाम है सरल रेखा में गति, यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि दूरी विस्थापन क्या होते हैं, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इनसे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बातें थी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। आपके एग्ज़ाम में ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, वो कैसी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, उनका मतलब क्या होता है, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, इस चैप्टर में कुल तीन प्रकार के ग्राफ आपको समझने होंगे। पहला आपका है समय विस्थापन ग्राफ, जिसको हम लोग समय स्थित ग्राफ भी कहते हैं। दूसरा है समय वेग ग्राफ और तीसरा है समय त्वरण ग्राफ। ठीक है, इन तीन प्रकार के ग्राफ से आपको अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। जैसे किसी में वेग निकलता है, किसी में त्वरण निकलता है, किसी में दूरी निकलती है, तो कैसे निकलती है, क्या रीज़न होता है, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समय विस्थापन ग्राफ के बारे में। समय विस्थापन ग्राफ, विस्थापन को स्थित भी कहते हैं, है ना, तो मैं लिख देता हूँ समय स्थित ग्राफ, है ना। अगर इसकी अंग्रेजी पर जाएं तो अंग्रेजी हो जाएगी टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एक ऐसा ग्राफ आपके पास होगा जिसमें एक समय दिया रहेगा और उस समय में विस्थापन यानी वस्तु की स्थिति के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो वह ग्राफ जिसमें समय के साथ हमें विस्थापन के बारे में जानकारी मिले उसे हम लोग बोलते हैं समय विस्थापन ग्राफ। ठीक है, अब होता यह है कि समय विस्थापन ग्राफ जब बनता है तो आप जैसे जानते हैं कि x अक्ष और y अक्ष होते हैं। ठीक है, तो समय विस्थापन ग्राफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, x अक्ष को समय अक्ष मान लेते हैं और y अक्ष को हम लोग विस्थापन यानी स्थित वाला अक्ष मान लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि x अक्ष में हम लोग समय को दर्शाते हैं और y अक्ष में हम लोग विस्थापन यानी स्थित को दर्शाते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली पॉइंट क्या लिखनी है आपको, वह ग्राफ जिसमें समय के साथ स्थिति को दर्शाया जाता है। ठीक है, वह ग्राफ जिसमें समय के साथ स्थिति को दर्शाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समय विस्थापन ग्राफ बोलते हैं। दूसरी पॉइंट आपको याद रखनी है कि इसमें यक्ष अक्ष को समय तथा वाई अक्ष को विस्थापन द्वारा दर्शाते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, हम एक्स अक्ष को समय मान लेंगे और वाई अक्ष को हम लोग विस्थापन मान लेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि समय स्थित ग्राफ कैसे बनता है, उसका मतलब हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि आपके पास तीन कारें हैं, है ना, ए बी सी, तीन प्रकार की कार हैं। उन कारों का मैं अलग अलग विस्थापन यानी अलग अलग स्थित लिखूंगा अलग अलग समय में। ठीक है, तो एक टेबल बनाता हूं पहले मैं आपके सामने। यहां पर मैं लिखता हूं समय, समय जो होगा वो सेकंड में होगा। ठीक है, समय जो होगा वो सेकंड में होगा। और यहां पर मैं लिख देता हूं कारों द्वारा तय की गई दूरियां, दूरियां जो हैं वो मीटर में होंगी। ठीक है ना, दूरियां जो हम ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं। ठीक है,
हमारे पास कितने प्रकार की कारें हैं? हमारे पास तीन प्रकार की कारें हैं, तो एक बार हम इन तीनों प्रकार की कारों को यहाँ पर दर्शा देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि शुरू में जब समय 0 सेकंड है, जब समय क्या है 0 सेकंड है, तो कार ए बिल्कुल भी नहीं चल रही है, अपनी जगह पर खड़ी है। कार बी भी खड़ी है, कार सी भी खड़ी है, ठीक है, दोनों खड़ी हैं। जब समय 1 सेकंड हो जाता है तो कार ए जो है वो 5 मीटर चलता है, कार बी जो है वो 10 मीटर चलता है, कार सी जो है वो 7 मीटर चलता है, ठीक है। दूसरा सेकंड जब आता है तो कार ए जो है वो 12 मीटर चल जाता है, कार बी जो है वो 20 मीटर चलता है, कार सी जो है वो 15 मीटर चलता है, ठीक है ना। अगला समय जब तीसरा सेकंड आता है तो कार ए जो है वो 18 मीटर चल जाता है, कार बी जो है वो 30 मीटर चलता है और कार सी जो है वो 20 मीटर चलता है, ठीक है। ऐसे ही जब चौथा सेकंड आता है, चौथे सेकंड में कार ए जो है वो मान लीजिए 25 मीटर चलता है, कार बी जो है वो 40 मीटर चलता है, कार सी जो है वो 22 मीटर चलता है। और एक मैं और लिख देता हूँ, मान लीजिए कि पाँचवा सेकंड यानी 5 सेकंड में कार ए जो है वो चल जाता है मान लीजिए 30 मीटर, कार बी जो है वो 50 मीटर चलता है और कार सी जो है वो 30 मीटर चलता है, ठीक है। ये मैंने एक टेबल बना दिया, इस टेबल के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि कौन सी कार कितने समय में कितने मीटर की, मतलब विस्थापन कितने मीटर पे वो खड़ा है, ठीक है। शुरू में जब समय 0 था तब तीनों कारें जो थीं वो अपनी जगह पर खड़ी थीं, समय धीरे धीरे एक एक सेकंड बढ़ता जा रहा है और तीनों कार जो हैं वो अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही हैं, मतलब अलग अलग पोजीशन में खड़ी हो रही हैं। पहला कार 5 मीटर, दूसरा 10, तीसरा कार 7 मीटर पहले सेकंड में। दूसरे में कार ए जो है 12 मीटर चलता है, कार बी जो है 20 मीटर चलता है, कार सी जो है 15 मीटर चलता है। फिर तीसरे सेकंड में कार ए 18 मीटर, कार बी 30 मीटर, कार सी 20 मीटर चलता है। ऐसे ही चौथे सेकंड में 25 मीटर कार ए चलता है, 40 मीटर कार बी चलता है और 22 मीटर कार सी चलता है। और ऐसे पाँचवें सेकंड में कार ए जो है 30 मीटर जाके खड़ा हो जाता है, कार बी जो 50 मीटर चला जाता है और कार सी जो है 30 मीटर चला जाता है, ठीक है। अब आपके सामने ऐसे एक टेबल बना दिया जाए, उस टेबल को देख के आप इतना तो आइडिया लगा सकते हो कि कितने समय में कौन सी कार कितनी दूरी यानी कितने विस्थापन यानी कितनी स्थिति तय करेगा यानी किस पोजीशन पर जाके खड़ा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टेबल को देख करके आप बताइए कि किस कार की दक्षता सबसे बेहतर है, किस कार की दक्षता अधिक है, दक्षता का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी मतलब क्या होता है कि कौन सी कार अच्छा सा काम कर रही है। अब कार चल रही है, वो गतिमान है, तो हमें ये पता करना होगा कि कौन सा कार अच्छा गति कर रही है, उसका वेग अच्छा है। तो वेग को बताने के लिए, वेग को निकालने के लिए हम इस टेबल से किसी भी कार के वेग को एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हमें क्या करना होगा, हमें ग्राफ बनाना होगा। तो ये तो हमारे पास एक टेबल था, एक सारणी थी, इस सारणी से हम इतना तो आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी कार कितना चल रही है, लेकिन ये आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि किस कार की दक्षता अधिक है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इन कारों का एक ग्राफ बनाऊंगा, वो ग्राफ जो होगा वो कौन सा ग्राफ होगा, समय विस्थापन ग्राफ होगा, और उस ग्राफ को देख करके हम आइडिया लगाएंगे कि हमारा जो तीनों ये कार दिया गया है, इन तीनों कारों में से किसकी दक्षता सबसे अच्छी है, सबसे अच्छा गति कर रही है, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी टेबल का एक ग्राफ बनाएंगे। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूं अभी। फिलहाल बहुत ही सिंपल है ग्राफ, और ग्राफ से ही हम लोग देखो गति के जो तीनों समीकरण होते हैं ना वो ग्राफ से निकल के आते हैं, है ना, ग्राफ से निकालते हैं। और दूसरा हमारा कैलकुलेशन यानी कलन मेथड होता है जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन करके निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। तो एक कलन मेथड होता है, एक ग्राफ मेथड होता है, ठीक है। हालांकि हम लोगों को गति के समीकरण डायरेक्ट पढ़ने हैं, उनका डेरिवेशन नहीं करना होगा, लेकिन जो ग्राफ होता है इन्हीं से आपके गति के तीनों समीकरण आते हैं, ठीक है। चलो अभी तो मैंने पूरा मिटा दिया, ठीक है, मिटा दिया, लेकिन फिर भी तो कुछ वैल्यूज मुझे याद हैं, उनके आधार पर मैं आप बनाऊंगा, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, मैंने एक एक्स एच और वाई एच ड्रा कर लिया, ये मूल बिंदु है, ठीक है। मैंने कहा था कि एक्स एच को मैं समय मानूंगा, तो ये जो है ये एच जो है ये समय को बताएगा यानी टी को बताएगा, ठीक है ना। समय किस में होना चाहिए भाई, सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो होगा ये किसको बताएगा, ये विस्थापन को बताएगा, किसको बताएगा भाई, विस्थापन को बताएगा, ठीक है। ओके,
मान लीजिए कि ये आपका मूल बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पहला सेकंड है, ये दूसरा सेकंड है, ये तीसरा सेकंड है, ये चौथा सेकंड है, ये पांचवा सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका 5 मीटर हो गया, ये आपका 10 मीटर हो गया, ये आपका 15 मीटर हो गया, ये आपका 20 मीटर हो गया, ये आपका 25 मीटर हो गया, ये आपका 30 मीटर हो गया, ये आपका 35 मीटर हो गया, ये आपका 40 मीटर हो गया, ये 45 हो गया और ये 50 मीटर हो गया, ठीक है। ये हमने विस्थापन को दिखा दिया वाई एच में, ठीक है। अब हमें तीनों कारों का क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। हालांकि मैंने ग्राफ को मिटा दिया लेकिन कुछ वैल्यूज मुझे याद हैं, उन्हीं के अनुसार मैं बनाऊंगा, ठीक है। जब जीरो था तो तीनों कारें यहीं पर खड़ी थी, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिली थी। जब एक सेकंड की बात होगी तो जो आपकी कार ए थी वो कितने पर खड़ी थी, 5 मीटर पर खड़ी थी। तो जो आपका कार ए है वो एक सेकंड में कहाँ पर खड़ी है, 5 मीटर पर खड़ी है, यानी यहाँ पर खड़ी होगी। बात समझ में आ रही है। मैं पहले कार ए का बनाता हूँ, ठीक है। ये कार ए का मैं बना रहा हूँ, पहले सेकंड में वो 5 मीटर पर, दूसरे सेकंड में वो 10 मीटर पर जाकर खड़ी हो गई। तो दूसरा सेकंड जब आया, समय ऐसे बढ़ेगा, विस्थापन ऐसे बढ़ेगा, तो दूसरा सेकंड जब आया दूसरे सेकंड में कहाँ पर गई, वो 10 मीटर पर गई, यानी यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई। फिर जब तीसरा सेकंड आया, तीसरे सेकंड में जो कार ए है, जो कार ए है वो 10 से कहाँ पर पहुँची, 10 से वो पहुँच गई आपका 12, है ना, 12 था शायद, तीसरे सेकंड में 12 पर पहुँच गई। तो 10 यही है, है ना, 10 से थोड़ा सा, ये 11 होगा, फिर 12, 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी यहाँ पर आएगी। चौथे सेकंड में जो कार ए है वो पहुँच गई 20 मीटर पर, तो 20 मीटर आपका यहाँ पर है, यहाँ पर, तो चौथे पे पहुँच गई 20 मीटर पर, ठीक है। फिर पाँचवें पर कितने पर पहुँची, पाँचवें पर पहुँच गई 30 मीटर पर, ठीक है। तो मान लीजिए कि 30 मीटर पर पहुँच गई पाँचवें पर, ये हो गया। अब इनको मिला दीजिए, तो जीरो से ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, और फिर ऐसे बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ी, है ना, ये ऐसे जा रही है। ये कार ए है। अब कार बी का बनाना है, तो कार बी जो था वो जीरो पर ही था। जब पहला सेकंड आया तो पहले सेकंड में वो 10 मीटर पर चला है, यहाँ पर। दूसरे सेकंड में वो 20 मीटर पर गया है, यानी यहाँ पर कहीं जाएगा, है ना, दूसरे सेकंड में वो 20 मीटर पर। तीसरा सेकंड जब आया तो तीसरे सेकंड में वो कहाँ गया, वो 30 पर गया, ठीक है। चौथा सेकंड जो आया, चौथे सेकंड पर वो किस पर गया, चौथे सेकंड पर वो 40 पर गया है, यानी कि ये चौथा सेकंड आपका हो गया, ये आपका आएगा 40। और पांचवा सेकंड जब आया तो पांचवें सेकंड पर वो पहुंच गया 50 पर। तो ये पांचवा सेकंड है, ये आ गया 50 पर, ठीक है। इनको हम मिला देंगे, तो जब मिलाएंगे हम तो ये बिल्कुल एक सीधी रेखा मुझे मिलेगी ऐसे, है ना। ये आपका कार बी है। मैं आशा करता हूँ कि ग्राफ खींचना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो कार ए को बना दिया, कार बी को बना दिया। कार सी जो है वो पहले सेकंड में 7 मीटर चली थी। तो पहला सेकंड जब चलेगा, यानी यहाँ पर, जीरो पर तो यहीं पर था, पहले सेकंड में 7 चला, तो 7 मतलब ये 5 हो गया, यानी ये लगभग यहाँ पर आएगा। दूसरा जब आया तो दूसरे में 12 पे चला है, तो दूसरा सेकंड आपका ये हो गया, है ना, दूसरा सेकंड ये हो गया। दूसरे सेकंड में मान लीजिए 12 पे चलता है, तो 10 ये हो गया आपका, 10 ये हो गया, तो 12 ये आएगा आपका, यानी यहाँ पर। तीसरे सेकंड में वो आ गया 18 पे, तीसरा आपका 18, तीसरा सेकंड ये हो गया, और 12 है तो 15 है तो 15 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है। चौथा सेकंड जब आया, चौथे सेकंड में वो पहुँच गया 22 पर, है ना, तो 22 पर पहुँच गया, तो 20 यहाँ है, 20 से थोड़ा ज़्यादा, यानी यहाँ कहीं आएगा 22, ठीक है। और जब पांचवा सेकंड आया तो पांचवें में वो 30 पर पहुंच गया है, तो आपका ये जो है 30 बिल्कुल यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जब इनको आप खींचोगे ऐसे खींचोगे तो बिल्कुल इस तरह से जाएगा, ये कार सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने तीनों जो हमारे पास कार थी, मैंने पहले टेबल मिटा दिया था, तो कुछ वैल्यूज़ अगर इधर उधर हो रही हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि समय और विस्थापन ग्राफ को खींचकर हम कारों की दक्षता को बता सकते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इन तीनों कारों का मैंने जब ग्राफ खींचा, समय और विस्थापन ग्राफ खींचा, तो यहाँ पर मुझे जो कार बी है, इस कार बी की जो यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रही, बिल्कुल सीधी रेखा दिखाई दे रही है, सीधी रेखा है ना। तो ये जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है, इससे एक बात ये तय होती है कि जो कार भी है ना, वो एक समान वेग से चलती हुई जा रही है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रही है, मतलब समान समय में समान विस्थापन तय कर रही है। बाकी कार ए हो गया, कार सी हो गया, इनका ग्राफ जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है,
तो ए और सी का ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, इसका मतलब कि इनका वेग जो है कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से इस ग्राफ को देख करके हम ये बता सकते हैं कि कार बी जो है उसकी दक्षता ज़्यादा है, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो समान समय में समान दूरी तय कर रही है। और हर सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, हर सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कार बी का समय विस्थापन ग्राफ, कार बी का समय विस्थापन ग्राफ, कार बी की समय विस्थापन ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, प्राप्त हो रही है, अतः कार बी की दक्षता सबसे अधिक है। ठीक है ना? जिस भी वस्तु की समय विस्थापन ग्राफ सीधी रेखा मिलेगी उसकी दक्षता अधिक होगी। ठीक है, एक बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात लिखते हैं कि कार बी जो है, कार बी प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, अतः कार बी का वेग कितना होगा भाई, 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैंने दूरी लिख दिया है, दूरी मतलब यहाँ पर विस्थापन ही आप समझेंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर विस्थापन भी लिख सकते हैं। कार भी जो है प्रत्येक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, 10 मीटर। आप टेबल देख सकते हैं जो सारणी मैंने बनाया था, पहले में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30, चौथे में 40, पांचवे में 50। तो हर सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, विस्थापन तय कर रहा है, इसीलिए कार बी का जो वेग होगा वो 10 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, और कार बी की दक्षता सबसे अधिक होगी। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अब एक पॉइंट यहां पर मैं लिखता हूं, समय विस्थापन, समय विस्थापन ग्राफ की ढाल, जिसे हम प्रवणता भी कहते हैं, समय विस्थापन ग्राफ की ढाल या प्रवणता वस्तु के वेग को दर्शाती है, वस्तु के वेग को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम समय विस्थापन ग्राफ खींचें, किसी वस्तु का समय विस्थापन ग्राफ खींचें और उसकी ढाल हमें निकाल लें, तो जो उस वस्तु की ढाल होगी, समय विस्थापन ग्राफ जब आपने खींचा है तो जो ढाल मिली है, जो प्रवणता मिली है, वही क्या करेगी, वही उस वस्तु के वेग को बताएगी। ठीक है, ये तो आपका मैंने एक एग्जांपल के द्वारा एक ग्राफ खींचा। अब मैं एक और ग्राफ खींचने जा रहा हूँ जिससे मैं बताऊँगा कि समय विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत हम वस्तु के वेग को कैसे बताते हैं। ठीक है, एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए, एक बार फिर से मैं ग्राफ खींचता हूँ, और अब जो ग्राफ खींचने वाला हूँ वो केवल जो हमारे पास बी कार था उसका खींचूंगा, क्योंकि कार बी की दक्षता सबसे ज़्यादा अधिक थी। और कार बी की जो ग्राफ हमने खींचा था समय विस्थापन वाला, उसमें कार बी की जो ढाल है, जो प्रवणता है, वो सीधी रेखा मिली थी। ठीक है, तो मैं अब उसी को खींचने वाला हूँ। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, आप जानते हैं कि ये समय को बताएगा। ठीक है, ये समय को बताएगा और ये बताएगा विस्थापन को। यहां पर मैं लिखता हूं 10 मीटर, यहां पर लिखता हूं 20 मीटर, यहां पर लिखता हूं 30 मीटर, यहां पर लिखता हूं 40 मीटर, यहां पर लिख देता हूं 50 मीटर। ठीक है, यहां पर लिखूंगा 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, 2 सेकंड ये हो गया, 3 सेकंड ये हो गया, 4 सेकंड ये हो गया, 5 सेकंड। ठीक है, अब पहले सेकंड में कितना चला था, पहले सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में 20, है ना, चलो ऐसे बनाता हूँ, ऐसे दूसरे सेकंड में 20, तीसरे में आपका हो गया 30, चौथे में आपका हो गया 40,
और पांचवे में आपका हो गया 50। ठीक है, ये कार बी का मैंने बनाया है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखे लेकिन एकदम बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी ऐसे। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने केवल कार बी का बनाया है क्योंकि उसी की दक्षता अधिक थी और उसी को लेकर हमें समझना है। ठीक है, ये हो गया भैया। ठीक है, अब देखो समझो बात को, जब समय जो आपका है 1 सेकंड है, समय कितना है 1 सेकंड है, इस समय को मैं मान रहा हूँ कितना, इसको मैं मान रहा हूँ T1, कितना मान रहा हूँ T1 मान रहा हूँ, और जो आपका पहले सेकंड में विस्थापन था उसको मैं मान रहा हूँ S1, क्या मान रहा हूँ S1, और जो आखिरी है पांचवा जो सेकंड है, पांचवा सेकंड है, उस पांचवें सेकंड को मैं मान रहा हूँ T2, और जो आखिरी विस्थापन है उसको मैं मान रहा हूँ S2। बात समझिएगा, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, मतलब यह है कि शुरू के पहले सेकंड में वस्तु का प्रारंभिक विस्थापन S1 था और अंतिम समय T2 में वस्तु का अंतिम विस्थापन कितना था S2 था। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसको मैं ऐसे यहां से मिला दूं समझने के लिए। ठीक है, और एक काम करता हूं, मैं इस वाले पॉइंट को A नाम देता हूं, इस वाले पॉइंट को मैं B नाम देता हूं, इस वाले पॉइंट को मैं C नाम देता हूं। ठीक है, तो बात को समझिएगा, A से लेकर B तक अगर मैं पूछूं कि A से लेकर B तक की वैल्यू क्या होगी, तो आप बड़े ही आराम से बताओगे कि A जो है वो 1 सेकंड पर है और B जो है वो 5 सेकंड पर है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 में से 1 को माइनस कर देंगे। कहने का कुल मतलब यह है कि आपका T1 कितना है 1 सेकंड है, T2 कितना है भाई 5 सेकंड है, तो डेल्टा टी की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा टी क्या होगा T2 - T1, समय अंतराल क्या होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ये हो गया 5 - कितना 1, यानी कि आ गया आपका 4 सेकंड। तो जो आपका A से लेकर B तक है वो कितना है, वही आपका क्या होगा, वही आपका AB होगा। ठीक है, अब अगर मैं BC की बात करूं तो देखो भाई यहां से यहां तक कितना है 10 मीटर है, और यहां से ये पूरा कितना है 50 मीटर है, मुझे इतना चाहिए, इतना निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, B से लेकर C तक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा भैया, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास अंतिम विस्थापन S2 पता है, प्रारंभिक S1 पता है, तो हम विस्थापन में परिवर्तन, यानी अगर हम डेल्टा S निकालना चाहें तो हम S2 - S1 कर देंगे, S2 की वैल्यू है 50, S1 की वैल्यू है कितनी 10, तो कितना आ गया 40 मीटर। ठीक है, और यही जो 40 मीटर आया यही डेल्टा S होगा और यही क्या होगा, यही आपका BC होगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि AB जो है वो डेल्टा T है, T2 - T1 है, और BC जो है वो क्या है डेल्टा S है, S2 - S1 है, मतलब A से लेकर B तक कुल समय अंतराल है और B से लेकर C तक कुल विस्थापन है। ठीक है, तो अगर हमें वेग निकालना हुआ तो वेग V बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटे में कुल समय, मैंने बताया था कुल विस्थापन कितना है 40 है और कुल समय कितना है 4 है, काटा पीटी करोगे कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड आएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया भी था कि जो कार बी है उसकी जो वेग आई है वो कितनी आई है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में वो 10 मीटर चलता है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से एक चीज़ और समझो, आपने जब वेग निकाला तो आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया डेल्टा S बटे डेल्टा T किया, एक्चुअली में अगर देखें तो डेल्टा S है क्या BC है, डेल्टा S क्या है BC है। तो यहाँ से मैं एक सुधार करता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ वेग बराबर क्या BC, वेग V बराबर क्या लिखता हूँ BC बटे में डेल्टा S क्या है, डेल्टा S BC ही तो है, तो मैंने इसको लिखा BC और क्या लिखूँगा बटे में AB, क्या लिखूँगा बटे में AB। बात समझ में आ रही है भाई, हमने क्या किया, हमने कार B का वेग निकाला, वेग निकालने के लिए हमने क्या किया विस्थापन बटे समय किया, लेकिन ये जो डेल्टा S है ये क्या है, ये BC की वैल्यू है और डेल्टा T जो है वो क्या है AB की वैल्यू है, तो हम इसको BC बटा AB लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो BC बटा AB हमने लिखा ना, BC बटा AB जो लिखा है वो इस ग्राफ की क्या है, वो इस ग्राफ की ढाल है, वो क्या है इस ग्राफ की ढाल है, तो हम ऐसे कहेंगे कि समय विस्थापन ग्राफ की जो ढाल होती है वो किसको बताती है, वेग को बताती है। आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि समय विस्थापन ग्राफ में, ठीक है, समय विस्थापन ग्राफ में जो ढाल होती है, जो प्रवणता होती है, वो वस्तु के
वेग को, त्वरण को, दूरी को किसको प्रदर्शित करती है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, इतनी सी बातें आती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। कोई ग्राफ दे देगा, उस ग्राफ को देख के आपको बताना होगा कि वस्तु का जो वेग है वो निरंतर बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैसा है वस्तु का वेग, कैसा है विस्थापन, किस तरह से चेंज हो रहा है, तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए भाई एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं कुछ और बातें लिख देता हूँ। तो इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब देखो एक बात और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वेग वेग वी वेग बी जो है वो क्या है इस ग्राफ के अंतर्गत, इस ग्राफ के अंतर्गत जो वेग बी है वो बी सी बटा क्या है, ए बी है ना। और मैं लिखता हूँ समय विस्थापन ग्राफ कि ढाल जो है यानी ओ बी, ये ओ बी एक्चुअली में है क्या, वेग जो है वो क्या है बी सी बटा ए बी है, और ओ बी जो है ओ से लेकर सॉरी ओ बी कह रहा हूँ ओ सी ओ से लेकर सी तक, ये जो है ये ओ सी एक्चुअली में क्या है, ओ सी जो है ये ढाल है, और ढाल क्या होगी, ढाल होगी बी सी बटे में कितना ए बी। तो जो ढाल होती है वो किसके बराबर होती है, वेग के बराबर होती है। तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि समय विस्थापन ग्राफ की जो ढाल होती है वो वेग को बताती है। अब कुछ और बातें समझते हैं, ये जो ढाल है बी सी बटा ए बी, मैं क्या करूं, मैं इस ए बी को घटा दूं, ए बी को क्या करूं कम करता जाऊं, और बी सी को क्या करूं बढ़ाता जाऊं, मतलब इस ए बी को मैं घटाता हुआ जाऊं और इस बी सी को क्या करूं बढ़ाता हुआ जाऊं, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ऐसे ऊपर जाना शुरू कर देगा, जाएगा ना भाई, जब बी सी को बढ़ाऊंगा तो ये वाला पॉइंट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इसको मैं घटा रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ए बी को घटाऊंगा और बी सी को बढ़ाऊंगा तो उस वक्त वस्तु का जो वेग है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि समय को घटा रहा हूं, समय को घटाऊंगा और विस्थापन को बढ़ाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि कम समय में ज्यादा विस्थापन हो जाएगा, तो उस वक्त वस्तु का जो वेग होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात आई समझ में। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि यदि ए बी घटाया जाए, ए बी घटाया जाए तथा बी सी बढ़ाया जाए, तब वस्तु की ढाल बढ़ेगी यानी प्रवणता बढ़ेगी, और साथ ही साथ वस्तु का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बस समय विस्थापन ग्राफ जो होता है उससे केवल और केवल वस्तु का वेग निकलता है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं समय को घटाऊंगा विस्थापन को बढ़ाऊंगा तो जो वस्तु का वेग है वो बढ़ जाएगा। ग्राफ में भी ऐसे आपके सामने ग्राफ आ सकता है कि इस समय को घटा दिया जाए और इसको क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो आपको वहां पर बताना होगा कि वस्तु का जो वेग है वो कितना बढ़ रहा है, किस हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, छोटी छोटी बातें और मैं बता देता हूं। अगर वस्तु का, किसी भी वस्तु का समय विस्थापन ग्राफ आप खींचते हैं और उसकी ढाल अगर शून्य आ जाती है, क्या जाए शून्य आ जाए, जैसे मैं ओसी का मान निकालूं बी सी बटा ए बी, अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं घटाते 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 ए बी को कितना कर दूं, ए बी को इतना कर दूं ये जीरो हो जाए, अगर जीरो हो जाएगा ए बी का मान तो ये तो अनंत आ गया, तो अनंत वाली कंडीशन तो बनेगी नहीं। इसका मतलब ये कर दें कि अगर हम समय को बढ़ाते जाएं ये बी सी क्या हो, ये घट जाए, मतलब कहानी कुछ ऐसी हो कि पहले कार को स्टार्ट किया और भगाना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, लेकिन कार पूरे एक घंटे तक एक ही जगह पर खड़ी है, वहाँ से आगे जा ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वहाँ पर विस्थापन शून्य हो रहा है। विस्थापन शून्य होने का मतलब कि बी सी का मान शून्य हो रहा है, और बी सी का मान शून्य होगा तो मतलब क्या होगा, ग्राफ की ढाल जो होगी वो शून्य होगी। तो किसी भी वस्तु में अगर समय विस्थापन ग्राफ आप खींचते हैं, उसका समय विस्थापन ग्राफ खींचते हैं और उसका ढाल अगर शून्य आ गया तो वस्तु का वेग जो होगा वो क्या होगा शून्य होगा, मतलब वस्तु क्या होगा, विरामावस्था में होगा। तो अगर किसी भी वस्तु के लिए आप समय विस्थापन ग्राफ खींचते हैं और उसका ढाल शून्य आता है तो वस्तु क्या होगा, विरामावस्था में होगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, अगर किसी भी वस्तु का वेग जो है धनात्मक बढ़ता जा रहा है एक रूप में पॉजिटिवली बढ़ता जा रहा है, तो वस्तु जो होगा वो एक समान वेग से गतिमान होगा। ठीक है, नियत वेग से गतिमान होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु का वेग निरंतर घट रहा हो, तब भी वस्तु क्या होगा, एक समान वेग से गतिमान है। पहले क्या हो रहा, हर 10 मीटर हर सेकंड में 10 मीटर चल रहा है,
और अचानक क्या हो जाए कि हर सेकंड में 5 मीटर घट रहा है, तो जो जो समय है वो हर सेकंड चल रहा है, विस्थापन जो है वो बराबर है, पहले 10 मीटर हर सेकंड बढ़ता था, अब 5 मीटर हर सेकंड घटता है, तो वहाँ पर वेग तो नियत होगा, लेकिन हम इतना कहेंगे कि वस्तु का जो वेग है एक ठू में तो धनात्मक है, दूसरे वाले में क्या है, ऋणात्मक है, जिसमें बढ़ेगा उसमें धनात्मक वेग होगा, जिसमें घटेगा उसमें ऋणात्मक वेग होगा। तो इतनी बातें आप समझ लीजिए कि ढाल शून्य हो तो वेग शून्य होगा, अगर वेग धनात्मक बढ़ता जा रहा है तो वेग नियत होगा, ऋणात्मक घटता जा रहा है तब भी वेग नियत होगा, ठीक है। और समय विस्थापन ग्राफ की जो ढाल होती है वो किसको बताती है, वेग को बताती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहला ग्राफ बता दिया समय विस्थापन का, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ग्राफ को लेकर के आपके सामने प्रश्न आएंगे, मैं आपको कराऊंगा जब प्रैक्टिस कराऊंगा इस चैप्टर का, क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पर मैं आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको समझना है कि ग्राफ के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ दोस्तों, दो और है, एक समय वेग ग्राफ है और दूसरा है समय त्वरण ग्राफ, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ठीक है। आई होप आपको क्लास में मज़ा आया होगा, ठीक है। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक तो कर ही दीजिएगा अगर अब तक नहीं किए हैं, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में समय वेग और समय त्वरण ग्राफ के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।